नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वैष्णदीप खालसा सर पे। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यानी ट्रिक के हिसाब से हम ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो ट्रिक रहेगी हमारी, वो कौन सी रहेगी? दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन से वंश आए थे, उनके ऊपर ट्रिक रहेगी। आप वीडियो पूरी देखना, आपको एक ट्रिक के अंदर ही सारे वंश, जितने 5 वंश आए थे ना दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक हमारी क्या रहेगी? ट्रिक हमारी रहेगी गुड़ खा तसले में, यानी गुड़ खा किस में खाना है? तसले में खाना है। तो इसमें ट्रिक में क्या रहेगा? गुड़ से कौन सा रहेगा? गुलाम वंश रहेगा भाई, गुड़ से गुलाम वंश। यानी गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 के अंदर। किसने की थी? कुतुबद्दीन ऐबक ने, कुतुबद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। इसने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की। कब तक रहा था ये? 1290 तक रहा था। यानी गुड़ खा तसले में, गुड़ से कौन सा आ जाएगा? गुलाम वंश। खा से कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश, खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और कब तक रहा था? 1320 तक रहा था। गुलाम बस की स्थापना पूछा गया था कि उसने भी, गुलाम बस की स्थापना किसने की थी? कुतुबद्दीन ऐबक ने। और खिलजी बस की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद में देख, तसले में, तसले से, तय से कौन सा आ जाएगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक रहा था। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बेग तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो तुगलक वंश की। उसके बाद तसले से, शह से कौन सा था? सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्जर खान ने, खिज्जर खान ने। और ये तैमूर का, जो जिसने, यानी तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 के अंदर, तैमूर का सेनापति कौन था? खिज्जर खान था। तो इसने तैमूर के जाने के बाद 1414 में किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्जर खान इसका सेनापति था। और खिज्जर खान ही एकमात्र ऐसा, सैयद वंश एकमात्र ऐसा वंश था जो शिया मुसलमानों से संबंधित रखता था, शिया समुदाय से संबंधित रखता था। और खिज्जर खान क्या था? इसका अगर आपसे पूछा जाए इसका मकबरा कहाँ रहेगा, तो इसका मकबरा रहेगा सोनीपत के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम वंश कौन सा रहेगा? लोधी वंश, जो 1451 से 1326 तक, 1526 तक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1526 तक कौन सा वंश रहा था? लोधी वंश। इसका अगर संस्थापक आ जाए तो कौन था? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी किसका स्थापक था? लोधी वंश का। अफगानी जो सरदार थे, अफगानी मुसलमान थे, उनका वंश कौन सा था? तो लोधी वंश रहेगा। और इनका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर के द्वारा मारा जाता है युद्ध के अंदर। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा यानी शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया था, कौन था? इब्राहिम लोधी था। और 1526 के बाद में मुगल शासन भारत के अंदर, यानी मुगल शासन की स्थापना होती है, कौन करता है? बाबर करता है। तो ये थे आज के दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से वंश आए थे। तो ट्रिक हमारी क्या थी? गुड़ खा तसले में, गुड़ से कौन सा था? गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, और तय से तुगलक वंश, और शह से सैयद वंश, और लय से लोधी वंश। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी। जय हिंद, जय भारत।